हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड बाय हुमेरा। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे खीमे की कबाब। और कच्चे खीमे के कबाब बनाने के लिए हमें चाहिए 1 किलो खीमा, जिसे हमें बारीक लेना है, बारीक कर लेना है, कोथमीर एंड पुदीना, ग्रीन चिली का पेस्ट लेना है हमें, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं कि आप जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से ले लीजिए। 2 टेबलस्पून हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट होगा 1 किलो खीमे के लिए। हमने ये लेमन का जूस निकाला है, मैंने 1.5 कप लेमन लिया है और उसका जूस निकाल दिया है। 1 टेबलस्पून हमने गरम मसाला पाउडर लिया है, मैंने ये टेबलस्पून यूज़ किया है, ओके। और नमक लिया है, नमक हमें अपने स्वाद के अनुसार लेना है। और ये बेसन लिया है, इसे भी हमें अपने और हिसाब से खीमे में मिक्स करना है। एंड फ्रेंड्स, याद रखिएगा, जब भी आप कच्चे खीमे के कबाब बनाएंगे तो खीमा आपको 2 से 3 घंटा पहले अच्छा वॉश करना है और उसका पानी पूरा निथार के ले लेना है, जिससे हमारे कबाब टूटेंगे नहीं। चलो अब फ्रेंड्स, अब हम ये मटन खीमे का कबाब का बैटर रेडी कर लेंगे। इसे हमने अच्छे से पानी निथार लिया है इसका, देखिए जितना हो सके इसका पानी निथार के लीजिएगा तो आपके कबाब अच्छे बनेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने 2 टेबलस्पून में बड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब इसमें हम ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड कर लेंगे 1.5 स्पून। इसका टेस्ट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आपके घर में तीखा खाते हैं तो आप इसका टेस्ट और इसकी क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं। मैंने ले लिया है गरम मसाले का पाउडर, ये 1 टेबलस्पून है। ये है हमारा लेमन जूस, जो मैंने घर में हमारे नींबू थे उसको स्क्वीज़ किया है, 1.5 और लेमन मैंने लिया था। और ये है हमारा बेसन। अपन बेसन की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। पहले मैं 1/2 बेसन ऐड करूंगी इसमें। हम नमक डालेंगे, नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने 1 एंड थोड़ा सा टेबलस्पून नमक डाला है इसमें। अब हमें ये जो कोथमीर पुदीना हमने कट करके रखा हुआ था वो डालेंगे। मैंने इसको पहले ही वॉश कर लिया था फ्रेंड्स और इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था, बिकॉज अगर इसमें पानी होगा तो हमारे कबाब बनेंगे नहीं अच्छे से। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। हम इसमें और बेसन अभी ऐड करने वाले हैं। ये मैंने 1 बाउल बेसन ले लिया था, अब मैं इसमें पूरा ऐड कर दूंगी। 1 किलो खीमा के लिए, खीमा कबाब के लिए आपको 1 ये बाउल पूरा बेसन लेना है, फुल भर के लेना है। इसको हम अच्छे से ऐड करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। अब हमने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम एटलीस्ट 10 से 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही रखेंगे, बिकॉज जो हमने सब स्पाइसेस इसमें ऐड की है वो इसमें अच्छे से पूरी मिक्स होनी चाहिए। इसके लिए इसे हम अभी 10 से 15 मिनट्स के लिए रख देंगे, उसके बाद हम ये कबाब बना के फ्राई कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट्स हो गए हमारे ये कबाब का बैटर मिक्स करके। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। आपको इतना बैटर थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं लेना है, ऐसे लेके इसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। और इसके बाद हम इसके गोल गोल कबाब बनाएंगे। ऐसे ही हमें सारे कबाब बना लेने हैं।
जब तक हमने तेल जो है वो फ्राई के लिए गरम के लिए रख दिया है, तेल गरम होने तक हम हमारे कबाब रेडी कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी इतने कबाब हमारे रेडी कर दिए हैं, तभी हमने ये तेल गरम होने के लिए रख दिया था। अभी हम हमारा तेल चेक करेंगे कि ये रेडी है नहीं फ्राई करने के लिए। देखिए ये हमारा तेल रेडी है। हमें ये जो कबाब है वो मीडियम आंच पर फ्राई करने हैं, क्योंकि ये कच्चे खीमे के कबाब है, खीमा इसमें कच्चा है तो हम फास्ट पे नहीं कर सकते इसको। हमें मीडियम पे फ्राई करने हैं इसको, और एकदम आराम से डालना है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, हमने हमारे कबाब अभी कढ़ाई में डाल दिए फ्राई करने के लिए। हमें इसे अभी बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जब कबाब नीचे से हो जाएंगे प्रॉपरली तो अपने आप छूट जाएंगे नीचे से। अभी वो थोड़े स्टिकी है, पर जब नीचे से कबाब प्रॉपरली फ्राई हो जाएंगे फिर हम उसको पलटा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कबाब अभी थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो रहा है। हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है जब तक वो अपने आप नीचे से छूट ना जाए। देखिए अभी नहीं छूट रहे, जब वो नीचे से छूट जाएंगे देन हम उसको उसको पलटी कर सकते हैं। उसके पहले हमें कबाब को बिल्कुल भी हलाना नहीं है, ना ही किसी चाकू वगैरह से करना है। देखिए फ्रेंड्स, जब ये कुक हो जाता है तो अपने आप ये नीचे से छूटने लगता है। ये कुक नहीं हुआ है तो ये नहीं छूटा है। देखिए आप देख सकते हैं, इसे हमें टर्न कर लेना है। ओके, ये कबाब बनाने के टाइम बहुत केयरफुल रहना है फ्रेंड्स, बिकॉज़ ये टूट जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये हमारे कबाब पूरे छूट गए नीचे से। अभी हमें क्या करना है, स्टेज पे इसको आहिस्ता से फ्रेंड्स इसको टर्न कर देना है। ओके, सारे कबाब हम एक के बाद एक ऐसे टर्न कर लेंगे ताकि वो नीचे से भी अच्छे से वो कुक्ड हो जाए। वो कुक्ड हो गए तभी वो अच्छे दिखेंगे फ्रेंड्स। ओके, देखिए देखिए फ्रेंड्स, ये हमने हमारे कबाब जो है ये फ्राई हो चुके हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये मटन का खीमा था और हमने इस कच्चे खीमे के कबाब बनाए हैं, तो इसको एटलीस्ट 10-15 मिनट्स मीडियम पे हमें फ्राई करना है। ओके, और इसको निकालते वक्त हमें एकदम आहिस्ता से निकालना है। इसको अच्छे से कुक्ड कर लेना है, फ्राई कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे कच्चे मटन खीमे के कबाब रेडी है। इसको आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं और चटनी के साथ भी खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। और आपको कोई और डिश आपको अगर देखनी है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे मेंशन कीजिए आपको कौन सी डिश देखनी है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम वो बनाने के लिए ट्राई करूँगी। अल्लाह हाफिज़।